ही देश के प्रधानमंत्री जनता से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हों, लेकिन मध्य प्रदेश में उनकी ही पार्टी की एक मंत्री सभा और जश्न का आयोजन कर रही है। बीजेपी के जिस मंत्री का जिक्र हम यहाँ पर आपसे कर रहे हैं, उनकी वजह से मुश्किल में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाली ये मंत्री सिंधिया की समर्थन है। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुकी बीजेपी नेता इमरती देवी की। इमरती देवी ने रविवार को डबरा विधानसभा के बिलौवा कस्बे में न केवल एक सभा का आयोजन किया, बल्कि नव नियुक्ति ग्रामीण जिलाध्यक्ष का जुलूस भी निकलवाया। कांग्रेस ने इस मामले में कलेक्टर से शिकायत की। वहीं पूर्व मंत्री लाखन सिंह इस मामले की शिवराज सिंह चौहान से शिकायत करने की बात कह चुके हैं। बता दें आपको, इमरती देवी नव नियुक्त ग्रामीण जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा के साथ बिलौवा कस्बे में पहुंची। जब वहां इमरती देवी पहुंची तो भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। 200 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इमरती देवी और जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा का स्वागत किया। फिर स्वागत के लिए आए कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में सभा स्थल की तरफ कूच कर गए। इस सभा में पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस ने कलेक्टर से शिकायत कर इस जनसभा की वीडियो उन्हें उपलब्ध कराई है। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री लाखन सिंह का कहना है कि इस मामले की शिकायत हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से करेंगे। पूर्व मंत्री सिंधिया समर्थक इमरती देवी के जश्न और जनसंपर्क की तस्वीरें जब से सामने आई हैं, बीजेपी की परेशानियां पड़ चुकी हैं। बीजेपी संगठन के स्थानीय नेताओं ने इस मामले से किनारा कर लिया है। बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर ने इस पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि लॉकडाउन का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। देखना होगा पार्टी इमरती देवी के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है और उस कार्यवाही से ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या रुख निकल कर सामने आता है। सिंधिया की समर्थक है इमरती देवी हमेशा से। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।